हाय फ्रेंड्स, अभी आज हम लोग आ गए हैं कोकण के फेमस तारकरली बीच पे। ओके, जैसे यहाँ पे गाड़ी पार्क की देख सकते हो पीछे, एक मिनट सामने से दिखाता हूँ। एक अच्छी चीज़ है कि यहाँ पे बहुत सारी जगह है पार्किंग के लिए, पेड पार्किंग है। फोर व्हीलर के लिए पेड है, टू व्हीलर के लिए आगे फ्री है। 50 रुपीज़ है पार्किंग चार्जेस, पूरे दिन लगा सकते हो शाम तक। ओके, तो ये एक अच्छी बात है। तो चलो जाते बीच पे। मतलब मैं खुद मालवन का होके भी मैंने तारकरली पे नहीं आया हूँ, फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ। तो चलो लेट्स सी, देखते। हेलो, बगीचा ले कलर कौन सा भाई जी? आसपास शॉप्स है, टॉयज है, कैप्स, बीच के लिए कपड़े, ये सब है। चलो आगे देखते हैं, सामने ही है, पार्किंग से ज़्यादा दूर नहीं है। ओके, सो ये फाइनली आ गए बीच पे। ओके, दोपहर के 11:15 बजे, 10:40 हुआ है, तो दोपहर के नहीं सुबह के, सॉरी, धूप है अच्छी खासी, ठीक है। फिर भी इतना भी कुछ नहीं। यहाँ पे देख सकते हो बोर्ड्स लगे हुए, स्कूबा डाइविंग, ये सब। वार्निंग के बोर्ड्स लगे हैं, समंदर में तैर रहे तो ध्यान रखना। यहाँ पे आपको वाटर स्पोर्ट्स मिल जाएंगे, मालवन बीच में भी है वो। उस तरफ देखोगे, आई डोंट नो दिखता रहेगा कि नहीं, वहाँ पे सामने सिंधुदुर्ग फोर्ट है, उसके एकदम अपोजिट साइड में देखोगे तो मालवन चौपाटी, वहाँ पे भी आपको वाटर स्पोर्ट्स, स्कूबा डाइविंग, ये सारी एक्टिविटी होती है। बीच अच्छा है, थोड़ा फर्क कचरा किया है लोगों ने, हम लोग नहीं किया हुआ है, प्लास्टिक बॉटल्स ने, फिर भी क्लीन है। गर्दी है कंपेरेटिवली, अगर आप अलीबाग या फिर किसी लोकल गोवा बिहार से कंपेयर करोगे तो बहुत ही कम पब्लिक है यहाँ पे। मतलब एक अपना एक अच्छा सा स्पॉट पकड़ के अगर ग्रुप के साथ हो तो आप एंजॉय कर सकते हो, कोई आपको परेशान नहीं करेगा। जस्ट व्यू दिखाता हूँ, ओके। तो ओवरऑल मस्त बीच है, और एक अच्छी चीज़ है कि मैंने आते हुए देखे यहाँ पे बहुत सारे आपको रहने खाने के लिए ऑप्शंस अवेलेबल है, होम स्टेज है, होटल है, MTDC रिसॉर्ट्स है, इवन खाने के लिए है, मतलब यहाँ का जो लोकल फूड है वो आपको मिलेगा, एंड हर जगह पे बोर्ड्स लगे हुए हैं, तो आपको खाने के लिए, रहने के लिए कोई इश्यूज़ नहीं है, लेकिन रहना हो तो प्रॉपर प्री बुकिंग करके आना। अब मेरा नेटिव प्लेस है तो मैं तो मेरे ही घर पे रह रहा हूँ, तो यहाँ का रेट एग्जैक्टली पता नहीं मेरे को, लेकिन मुझे इतना पता है कि आपको हर टाइप के आपके बजट के ऊपर से मिल जाएगा। मतलब थोड़ा लग्जरियस रिसॉर्ट्स भी मिल जाएंगे, एंड देन एकदम बजटेड होम स्टे भी मिल जाएंगे।
और बहुत सारे है। एक सामने अगर देखोगे तो एक छोटा सा आइलैंड टाइप दिख रहा है, मेरे ख्याल से उसे सुनामी आइलैंड बोलते हैं। सुनामी आने के बाद ही वो कुछ ऊपर आया था, दिख रहा था इसे। और ये है, और यहाँ पे बहुत से बाकी सारी एक्टिविटीज़ भी होती है, जैसे कि डॉल्फिन्स सफारी होती है, देन कोई एक लाइव क्या बोलते हैं उसको, लाइट हाउस है वहाँ पे लेके जाते हैं, सुनामी आइलैंड पे लेके जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। ओके गाइज, तो चलो आज के लिए इतना ही, फिर से मिलते हैं किसी नई जगह को एक्सप्लोर करने के लिए। ओके देन, बाय।